शेख, मुझे ये सवाल पूछना है शेख। इधर व्हाट्सएप पे हमारे रिश्तेदार अस्सलाम वालेकुम खैरियत बोल के बोलते, हम उसका अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बोल के जवाब नहीं दिए तो उन लोग बोलते आप बहुत घमंडी हो गए, आप सलाम का जवाब भी नहीं देते, आप सलाम अल्लाह को पहुंचता बोलते। हमारा रिश्तेदारों को हम लोग बाद में कॉल करके पूछ बोल सकते। इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी करते तो सलाम करते शेख, तो हम लगा वो उनको एक बार सलाम का जवाब दिए तो ना मैसेज की लाइन फेंस देते, ना हम लोग उनको ब्लॉक करना पड़ता। तो आप बोलिए ना क्या करना। अगर कोई आपको सलाम करता है तो जब आपसे भेजते सलाम थे किया जाए, लिख के भेजते आप जी, अगर कोई सलाम करता है आपसे तो सामने वाला जिससे सलाम किया गया है उसके ऊपर वाजिब होता है सलाम का जवाब देना। इसी बुनियाद पर बहुत सारे उलमा ने लिख के जो सलाम भेजा जाता है इसके बारे में भी उनकी राय है कि अगर कोई आपको सलाम लिख करके भेजे तो वहां पर भी आपके लिए सलाम का जवाब देना वाजिब हो जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको वाजिब ना माने क्योंकि उसने मुंह से नहीं बोला हुआ है, तब भी आदाब का तकाजा यही है, जो एक उखुवत और भाईचारगी का रिश्ता है आपका अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ, उसका तकाजा यही है कि आप उसका जवाब दें। और जैसा कि आपने खुद बताया कि जवाब ना देने से वो समझता है कि सामने वाला घमंडी है, और जाहिर सी बात है अगर उसने सलाम लिख करके भेजा है आप जवाब नहीं देंगे तो इस तरह का रिएक्शन आना ये फितरी बात है। तो मुनासिब यही है कि अगर कोई सलाम लिख करके भेज रहा है तो उसका जवाब भी आप लिख करके भेजें। अगर वाजिब ना भी माने, हालांकि बहुत सारे उलमा ने इसको वाजिब माना है कि जिस तरह मुंह से बोल करके कोई सलाम करे तो जवाब देना वाजिब होता है, उसी तरह अगर कोई लिख करके सलाम भेज रहा है तो उसका जवाब देना भी वाजिब है। अगर वाजिब ना भी माने तो कम से कम ये एक मुसलमान का हक है और आदाब में से है कि आप उसके सलाम का जवाब दीजिए, आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और गलत फहमियां पैदा नहीं होंगी। और सामने वाले को भी चाहिए कि अगर सामने से जवाब नहीं आया है तो इस जमाने में कभी कभार सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, कोई मैसेज उसमें आदमी से इग्नोर हो जाता है ना चाहते हुए भी मिस हो जाता है, तो सामने वाले को हुस्ने ज़न रखना चाहिए। ये सारे लोगों के साथ होता है कि कई अहम मैसेजेस भी हमसे छूट जाते हैं, कभी उनको पढ़ नहीं पाते, या हमने पढ़ा, हमने सोचा कि जवाब दे देंगे, फिर बाद में जवाब नहीं दे सके, भूल गए, तो सामने वाले को उसकी कोई तौजीह कर लेनी चाहिए, कोई तावील कर लेनी चाहिए कि हुस्ने ज़न रखना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए।